नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है हरियाली अमावस्या कब है, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और अमावस्या तिथि का महत्व क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। सावन मास की अमावस्या जुलाई में पड़ने वाली कब है, क्या तारीख है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या तो है। हरि प्रेमियों, सावन के महीने में बारिश होने की वजह से चारों ओर हरियाली छा जाती है और हमारा सावन महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। यही वजह है कि सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने और स्नान दान करने का विधान है, लेकिन हरियाली अमावस्या पौधे लगाने की परंपरा भी है। इस साल क्या तिथि है, क्या शुभ मुहूर्त और क्या महत्व है? हरि प्रेमियों, इस साल सावन में बार हरियाली अमावस्या 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को है। इस दिन सोमवार अमावस होने के वजह से सोमवती अमावस्या कहलाएगी। सावन में सोमवती अमावस्या का संयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सावन अमावस्या तिथि 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 पर शुरू हो जाएगी और 18 जुलाई 2023 को सुबह 12:01 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 17 जुलाई को ही मनाई जाएगी और दान और स्नान का समय है सुबह 4:12 से 4:53 तक और शुभ शाम का मुहूर्त है 5:27 से 7:20 तक। हरि प्रेमियों, हिंदू धर्म में अमावस्या का पर्व बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण का दिन है। खासकर सोमवार और शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या बहुत ही विशेष होती है और सावन मास में हरियाली अमावस्या पर शिव और पार्वती पूजन के साथ साथ तुलसी, बरगद, आम, नीम की भी पौधे लगाने की और देव और पितृ दोनों को प्रसन्न करने की ये दिन होता है। सावन हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान दान करना चाहिए और दीप दान करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और हमारे नारद पुराण के अनुसार इस दिन देव पूजा के साथ साथ वृक्ष रोपण करने से संतान सुख, लक्ष्मी की प्राप्ति और आरोग्य प्राप्त होता है और काल सर्प दोष, शनि दोष और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। हरि प्रेमियों, आपको ये हरियाली अमावस्या की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।